झारखंड समाचार। मंत्री ने निभाया अपना वादा, मैट्रिक व इंटर के टॉपर को गिफ्ट किया कार। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपना वादा निभाया। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 2020 की जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किए प्रत्याशी को कार गिफ्ट किया है। झारखंड विधानसभा परिषद में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो तथा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट के टॉपरों को ऑल्टो कार देकर पुरस्कृत किया। शिक्षा मंत्री ने अपने खर्च पर ऑल्टो कार दिया। मनीष कुमार कटियार मैट्रिक तथा अमित कुमार इंटरमीडिएट के टॉपर हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मैट्रिक के बोकारो टॉपर को दी बाइक। 75% से अधिक अंक लाने वाले को मिली साइकिल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो की जयंती समारोह के मौके पर आज मैट्रिक के बोकारो टॉपर को बाइक दी। 75% अंक के साथ पास करने वाले 350 स्कूली छात्रों को साइकिल देकर पुरस्कृत किया। आपको बता दें कि चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी स्थित उच्च विद्यालय के छात्र अजीत कुमार ने मैट्रिक में बोकारो जिला टॉप किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव के आदेश को किया खारिज। कहा, प्लस टू के 225 शिक्षकों का तबादला सही। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत में राज्य के प्लस टू शिक्षकों के तबादले पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने तबादले को सही ठहराते हुए सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि शिक्षकों के तबादले का अधिकार स्थापना समिति को है, ऐसे में शिक्षा मंत्री तबादले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष त्रिशेष ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में स्थापना समिति ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या को देखते हुए शिक्षकों के तबादले पर निर्णय लिया है। झारखंड विधानसभा में हेडमास्टर के 3044 एवं स्नातक प्रशिक्षित टीचर के 2759 खाली पदों का उठा मामला। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की रफ्तार नहीं पकड़ने की सबसे बड़ी वजह पर्याप्त संख्या में स्कूलों में शिक्षकों का नहीं होना है। पूरे राज्य में हर स्कूल का एक ही रोना है और वह है शिक्षकों की कमी। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की समस्याएं गूंजी। विधायक चिरंजीव नारायण द्वारा स्कूलों में हेडमास्टर की कमी और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नहीं दी गई प्रोति का सवाल उठाया गया था, जिसके जवाब में राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े हैरत में डालने वाले हैं। पूरे राज्य में हेडमास्टर के मात्र 3142 पद ही स्वीकृत है, जिसमें केवल 148 हेडमास्टर ही कार्यरत है। 3044 पद आज भी खाली पड़ा हुआ है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले, वर्तमान सरकार नहीं चाहती स्थानीय युवा नौकरी करें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि हमारी सरकार ने आदिवासी मूल वासियों के हित में नियोजन नीति बनाकर स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने का काम किया था। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को शेड्यूल एरिया के मामले में नियम बनाने का अधिकार दिए गए हैं। झारखंड में शिक्षकों की व्यापक कमी थी, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। इसी के आधार पर हमारी सरकार ने स्थानीय स्तर पर युवाओं को नौकरी देने के लिए नियोजन नीति अपनाई, लेकिन वर्तमान सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए सही तरीके से उच्च न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा। इस कारण हमारे आदिवासी मूलवासी युवाओं का भविष्य अंधकार में होने के कगार पर पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हमारे आदिवासी मूलवासी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कस्तूरबा विद्यालय में बगैर परीक्षा का होगा एडमिशन। झारखंड के शिक्षा परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में एडमिशन को लेकर एक पत्र उपायुक्त को दिया है। इसमें कहा गया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 6 में एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश पूर्व में निर्गत किया गया था। इस संबंध में यह भी निर्देश दिया गया था कि कक्षा 6 की 75% सीटों पर पूर्व प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार एडमिशन की कार्रवाई पूरी की जाए। शेष
25% सीटों का एडमिशन चयन परीक्षा में किया जाएगा। इसे झारखंड के अधिविद परिषद आयोजित करेगी, परंतु वैश्विक महामारी COVID-19 को देखते हुए इस वर्ष इस चयन परीक्षा आयोजित किए जाने की आ रही कठिनाइयों को देखते हुए शैक्षणिक सत्र में शेष 25% सीटों पर ही पूर्व प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार ही नामांकन लेने का आदेश दिया जाता है। कहा है कि मेधावी बच्चों के लिए कक्षा 6 में 25% सीटों पर चयन परीक्षा के द्वारा नामांकन अगले शैक्षणिक वर्ष 2020-22 में किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति को ले जल्द मिलेंगे राज्यपाल व सीएम से। करीब 1.5 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को अस्थायी विषय मिल गया है। मंगलवार को डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह विषय का पदभार संभालने के बाद एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि पेंशन से लेकर वेतन भुगतान को लेकर बृहद कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले मजदूरों को पैसे की जरूरत अधिक होती है, इसलिए उनके भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। विषय ने कहा कि विवि में शिक्षकों की घोर कमी के कारण शिक्षण शोध एवं प्रसार शिक्षा कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। JPSC के माध्यम से शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों की शीघ्र भर्ती के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि 6 महीने के भीतर शिक्षकों की कमी दूर हो जाए। वस्तानिया की वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे 142 परीक्षार्थी। जिला मुख्यालय के एकमात्र परीक्षा केंद्र में वास्तानिया की वार्षिक परीक्षा संपन्न होगी। संभवतः अक्टूबर माह में वास्तानिया की परीक्षा जैक की देखरेख में संपन्न होगी। जैक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को परीक्षा की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है, जबकि परीक्षा की तिथि अब तक निर्धारित नहीं हुई है। वास्तानिया की वार्षिक परीक्षा में जिले के 142 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। आदर्श मध्य विद्यालय जामताड़ा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वैश्विक महामारी को देखते हुए शारीरिक दूरी के अनुपालन के साथ परीक्षा संपन्न होगी। विभाग ने 142 परीक्षार्थियों के लिए 16 कमरे में तैयार की है। प्रत्येक बेंच में एक परीक्षार्थी बैठेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर ने बताया कि वास्तानिया परीक्षा की तैयारी परीक्षा केंद्र में पूरी कर ली गई है। संपन्न तैयारी से जैक कार्यालय को अवगत कराया गया है। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरांत परीक्षा आरंभ होगी। कोरोना काल में कलाकारों को मिलेगी आर्थिक मदद। कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक तंगी झेल रहे कलाकारों को राज्य सरकार ने मदद करने की योजना बनाई है। इसके लिए कला संस्कृति विभाग की ओर से कलाकारों को 1,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही विशेष दिवस पर जिला मुख्यालय में ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना है। वित्त विभाग से मदद मिलते ही कलाकारों से आवेदन मंगाए जाएंगे। विभाग की पहली प्राथमिकता लोक कलाकार होंगे। 1,000 रुपये प्रतिमा देने के लिए झारखंड का कलाकार होने की शर्त होगी। एक फॉर्मेट में उन्होंने बतानी होगी कि वे किस कला से जुड़े हैं। कला संस्कृति में प्रदेश के सैकड़ों कलाकारों का भुगतान रुका हुआ है। कार्यक्रमों का ऑनलाइन होगा आयोजन। खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। PM किसान योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे सालाना 10,000 रुपये। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव से पहले राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब राज्य सरकार भी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को किसानों को सालाना 4,000 रुपये देगी। चौहान ने यह भी कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस घोषणा के बाद PM सम्मान निधि योजना के लाभार्थी राज्य के 80 लाख किसानों को अब सालाना 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और राज्य सरकार सालाना 4,000 रुपए देगी। केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपए की 3 किस्त किसानों को दी जाती है, जबकि राज्य सरकार हर 6 महीने पर 2,000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजेगी। मुख्यमंत्री ने दी मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी। देवस्थान विभाग उठाएंगे पूरा खर्चा। अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग की बसों से निःशुल्क यात्रा करने की शुरुआत की गई। मोक्ष कलश योजना 2020 को राज्य सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यवस्था के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग की ओर से की जाएगी। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020। रोजगार पर धीरे धीरे गर्म हो रही सियासत। युवा वोटर ही होंगे निर्णायक की भूमिका में।
विकास के साथ साथ विरोधी पार्टियों बेरोजगारी को भी चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है। लेकिन हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी, पूर्व बिहार और सीमांचल इलाकों में रेल और दूसरी अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की, लोगों में विश्वास की उम्मीदें तो जगी, यदि विकास होता तो गरीबी दूर होगी। लेकिन इस इलाके में युवा मतदाता बेरोजगारी को लेकर ज्यादा सवाल जवाब नेताओं से कर रहे हैं। खबर है बिहार से, पटना मेट्रो का शुरू हुआ काम, नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में है शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पटना के मेट्रो के लिए काम शुरू हो गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13,365 करोड़ से अधिक का बजट पास किया है। परियोजना में 20% बिहार, 20% केंद्र और बाकी 60% जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से भी कर्ज लिया जाएगा। पटना मेट्रो पर तेजी से काम के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी गठन हुआ है। पटना में मेट्रो के 2 कॉरिडोर होंगे, कॉरिडोर 1 में दानापुर खेमिचर और 2 में गांधी मैदान पाटलिपुत्र बस अड्डा होगा। बैंकिंग शेयरों में गिरावट, कमजोर ग्लोबल संकेतों और मोरेटोरियम की खबरों के चलते 18% तक गिरे बैंकिंग शेयर, सरकारी बैंकों का है बुरा हाल। बैंकिंग शेयरों में गिरावट, कमजोर ग्लोबल संकेतों और मोरेटोरियम की खबरों के चलते 18% तक गिरे बैंकिंग शेयर। सुप्रीम कोर्ट लोन मोरेटोरियम पर बैंकों द्वारा वसूले जा रहे ब्याज पर भी फैसला सुनाएगी। 31 अगस्त तक जो बैंक अकाउंट एनपीए घोषित नहीं किए, अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। शेयर बाजार में बैंकिंग शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले एक महीने में शेयरों में 10-18% तक गिरावट आई है। 1373 सरकारी संस्थाओं के पास बिजली बिल भरने का पैसा नहीं, साल भर से नहीं भर रहे हैं पैसा। 3,72,00,000 का हो गया है बकाया, विद्युत कंपनी अब कनेक्शन काटने में जुटी। झाबुआ जिले के 629 स्कूल व छात्रावास और 744 अन्य संस्था फंड के अभाव में एक साल से बिजली का पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं। इन 1373 सरकारी संस्थाओं के ऊपर 3,72,00,000 का बिजली बकाया है। अब लंबा समय होने से धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं के बिजली कनेक्शन भी कटने लगे हैं। उधर संस्थाओं के प्रभारियों का कहना है कि पैसे के अभाव में बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं। अब तक निजी तौर पर भी ग्राहकों को बिजली बिल भरने पर अपमानित होना पड़ता था, जिले में यह स्थिति अब सरकारी संस्थाओं के पास भी है। बिहार यूपी में अलर्ट, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, जाने झारखंड दिल्ली सहित अन्य राज्यों का मौसम। यूपी में मौसम विभाग ने आज और कल यानी 24 सितंबर को बारिश अलर्ट कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में गुजर रही मानसून की ट्रफ लाइन से फिलहाल बारिश के आसार नहीं है, लेकिन यूपी के पूर्वी हिस्से में आज और कल यानी 24 सितंबर को कई स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। कृषि मंत्री ने माना, कमलनाथ सरकार में 51 जिलों में हुई कर्ज माफी, राहुल गांधी ने कहा जो कहा वो किया। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में माना कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में 51 जिलों में किसानों के कर्ज माफ हुए। कांग्रेस में शामिल अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया, लेकिन भाजपा सिर्फ झूठ के वादे करती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सूबे का सियासी पारा यूं भी बढ़ा हुआ है। अब बीजेपी के मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को उपचुनाव में भुनाने में जुटी है। आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, संसद में उठी 15,000 और 10,000 रुपये मानदेय करने की मांग। राज्यसभा में बीजू जनता दल के एक सदस्य ने आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी निरंतर कार्य किया है। बीजद के सुभाष चंद्र सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार सुरक्षित दूरी बनाए, हाथ धोते रहने और मास्क पहनने का परामर्श दिया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी और आशाकर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम किया है। सिंह ने कहा, यह विडम्बना ही है कि संकट के समय में भी अथक परिश्रम करने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को मात्र 4,500 रुपया और आशाकर्मियों को केवल 2,500 रुपया का मानदेय मिलता है, जो कि महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए बहुत ही कम है। विजय सदस्य ने कहा कि उड़ीसा में राज्य सरकार ने इन कर्मियों को कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत पर्याप्त नहीं कही जा सकती। खबर है मौसम से, सावधान, विदा लेने से पहले मानसून दिखाएगा अपना रुद्र रूप, जाने किन राज्यों में होगी सबसे ज्यादा वर्षा। मौसम विभाग ने 23 सितंबर को लेकर 26 सितंबर तक देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को
सबसे ज्यादा असम, मेघालय और पूर्वी उत्तरी प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश होगी और अन्य राज्य भी हैं इसमें। खबर है उत्तर प्रदेश से, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को कब्जा अवधि का किराया भी वसूलेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे गिराने के साथ ही भूमाफिया व अपराधियों से सरकारी संपत्ति पर कब्जे की अवधि का किराया भी वसूला जाएगा। उन्होंने अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यूपी में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बनाई गई इमारतों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का दावा है कि अब तक प्रदेश सरकार ने माफियों व अपराधियों की अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। पिछले महीने की मऊ जिले के सदर विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के दो बेटे के अवैध निर्माण को एलडीए ने ढा दिया था। डीआरडीओ ने अर्जुन टैंक से किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बुधवार को अहमदाबाद में अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि भारत को टीम डीआरडीओ पर गर्व है, जो आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पूरे परिश्रम से जुटी हुई है। खबर है राजस्थान से, राजस्थान को मिली बहुत बड़ी सौगात। सीएम गहलोत ने जयपुर में प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन परियोजना का किया उद्घाटन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को चंदपोल से बड़ी चोपड़ तक जयपुर मेट्रो के फेज 1B का उद्घाटन किया, जो प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन परियोजना है। मानसरोवर चांदपोल लाइन के बड़ी चोपड़ तक इस एक्सटेंशन पर 1126 करोड़ खर्च हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए सिर्फ 9 पेड़ काटे गए, बाकी शिफ्ट किए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।